नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लंग कैंसर इम्यूनोथेरेपी यानी कि फेफड़े के कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का इलाज। ये एक बेहद जरूरी टॉपिक है। इसका रीजन ये है कि लंग कैंसर हमारे देश में पुरुषों का नंबर वन कैंसर है, साथ ही ये कैंसर कॉमनली एक डेडली कैंसर है, यानी कि इस कैंसर से जान को बहुत ही डेंजर रहता है और कॉमनली इस कैंसर से डेथ का रिस्क बहुत हाई रहता है। इसका रीजन मेनली ये है कि फेफड़े का कैंसर जनरली एक ऐसी बीमारी है जो अर्ली स्टेज यानी कि स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री पे पता नहीं चलती आराम से, और ज्यादातर मरीजों में जब तक मरीज को पता चलता है कि उनको कोई बीमारी है तब तक बीमारी ऑलरेडी स्टेज फोर में कन्वर्ट हो चुकी होती है। यानी कि हमारी प्रैक्टिस में हम कॉमनली देखते हैं कि लगभग 70% मरीज जब तक हमारे पास हमसे मिलने आते हैं तब तक ऑलरेडी वो स्टेज फोर हो चुके होते हैं, और उस पॉइंट पे उनके ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शन लिमिटेड रहते हैं। तो पुराने जमाने में लंग कैंसर का स्टेज फोर में इलाज ज्यादातर कीमोथेरेपी के माध्यम से ही किया जाता था। इस स्ट्रेटजी के बहुत सारे नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये है कि कीमोथेरेपी का लंग कैंसर में फायदा लिमिटेड है। डेफिनेटली यदि हम लंग कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं तो उन्हें फायदा होता है, बीमारी में कंट्रोल मिलता है, बट ये कंट्रोल जनरली शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और कुछ टाइम के बाद कीमोथेरेपी लंग कैंसर पर काम करनी बंद हो जाती है और बीमारी बढ़ने लगती है। साथ ही कीमोथेरेपी, हालांकि नए जमाने की कीमोथेरेपी काफी सेफ और इफेक्टिव मानी जाती है, परंतु कई बार कीमोथेरेपी से साइड इफेक्ट होते हैं जो पेशेंट अवॉइड करना प्रेफर करते हैं। तो ये भी एक कारण है कि लंग कैंसर का ट्रीटमेंट जो पुराने जमाने का है वो ऑप्टिमल नहीं है। तो इस लैक्यूना को फिल करने यानी कि इस कमी का पूरा करने के लिए कई सारी नई टेक्नोलॉजीज धीरे धीरे साइंस ने इजाद करी है। लंग कैंसर में सबसे जरूरी है टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। इस वीडियो में हम टारगेटेड थेरेपी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम कुछ टाइम बाद लंग कैंसर में टारगेटेड थेरेपी का एक वीडियो और बनाएंगे। टारगेटेड थेरेपी लंग कैंसर के इलाज का बेहद कन्वीनियंट तरीका है जिसमें गोलियों के माध्यम से लंग कैंसर का आराम से इलाज किया जा सकता है, परंतु हमारा फोकस इस वीडियो में इम्यूनोथेरेपी पे है। तो इम्यूनोथेरेपी एक नया नजरिया है कैंसर को ट्रीट करने का। ये एक ऐसा नजरिया है जो कैंसर को समझता है कि ये बॉडी और डिजीज के बीच में बैलेंस की प्रॉब्लम है, जो अपनी ही बॉडी को सिखाता है कि कैंसर को वो कैसे मारे। और चूंकि हमारे शरीर से अच्छा कोई ड्रग या कोई केमिकल नहीं है जो कैंसर को स्पेसिफिकली मार सके, ये एक बहुत ही प्राकृतिक और नेचुरल तरीका है कैंसर के इलाज का। तो नॉर्मली क्या देखा गया है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसमें कैंसर से लड़ने की ताकत होती है। नॉर्मल लोगों में भी कोई भी यदि ट्यूमर बॉडी में पनपना शुरू होता है तो इम्यून सिस्टम उस ट्यूमर को खोज लेता है और मार के खत्म कर देता है इससे पहले कि वो शरीर के लिए प्रॉब्लम बने। तो जिन लोगों में कैंसर की डेवलपमेंट होती है उनमें कैंसर उस इम्यून सिस्टम से खुद को बचाने के तरीके ईजाद करता है। तो इम्यूनोथेरेपी कैंसर और इम्यून सिस्टम के बीच के कनेक्शन को फिर से जोड़ता है ताकि इम्यून सिस्टम कैंसर को पहचान सके और मार सके, और इस तरह से बॉडी अपने आप ही कैंसर को खत्म कर देती है। हमारा इम्यूनोथेरेपी पे एक और डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल है, और नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपन वीडियोस के बारे में जान सकते हो, उनके लिंक्स फॉलो कर सकते हैं। तो लंग कैंसर में देखा गया है कि इम्यूनोथेरेपी बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही यूजफुल स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के बहुत ही फायदे हैं लंग कैंसर में। पहला, इसको लेना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली और बहुत ही कम साइड इफेक्ट से मरीज का इलाज किया जा सकता है इम्यूनोथेरेपी के इस्तेमाल से। दूसरा, ये ज्यादा प्राकृतिक तरीका है, रादर देन मरीज को ऐसे केमिकल दिए जाए जो बॉडी के लिए फॉरेन है। इम्यूनोथेरेपी का मेन पर्पज ये है कि जो अपने आप बॉडी के सिस्टम्स है तुम उनको बूस्ट करते हो ताकि वो जाके कैंसर को मारे। तो एक ज्यादा नेचुरल तरीका है ये कैंसर को मारने का। और सबसे मेजर चीज ये है कि इम्यूनोथेरेपी का बेनिफिट जिन पेशेंट में होता है जनरली एक लॉन्ग ड्यूरेशन का बेनिफिट होता है, काफी लंबे टाइम तक मरीजों को इम्यूनोथेरेपी का फायदा रहता है। कीमोथेरेपी से कंपेयर्ड मच ग्रेटर ड्यूरेशन रहती है इम्यूनोथेरेपी की जनरली। इम्यूनोथेरेपी के ऑन दी अदर हैंड कुछ लिमिटेशन भी है। सबसे पहला, हालांकि इम्यूनोथेरेपी में कीमोथेरेपी से रिस्क जनरली कम रहता है, पर ऐसा नहीं है कि इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट जीरो है।
थोड़े बहुत इम्यूनोथेरेपी से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ज्यादातर ये साइड इफेक्ट माइल्ड और इजिली मैनेज होते हैं और सही टाइम पे सही डॉक्टर की देखभाल से इन साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यदि लंग कैंसर की इम्यूनोथेरेपी की जा रही है तो ये एक्सपर्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जिनको इम्यूनोथेरेपी में एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है उन्हीं के हाथों से किया जाए ताकि कोई भी साइड इफेक्ट हो तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है और हो भी जाए तो उसको टाइम से ट्रीट किया जा सकता है। दूसरा लिमिटेशन इम्यूनोथेरेपी का यह है कि हर मरीज में इम्यूनोथेरेपी काम नहीं करती। जैसे कि यदि हम किसी मरीज को इम्यूनोथेरेपी दे, जरूरी यह है कि हम उन मरीज को केयरफुली पहले सेलेक्ट करें जिनको इम्यूनोथेरेपी से ज्यादा फायदा है ताकि किसी भी मरीज को इनइफेक्टिव थेरेपी देने का चांस कम से कम हो। यानी कि हम कोई दवाई ऐसी मरीज को ना दे जिससे मरीज को कोई फायदा नहीं है पर साइड इफेक्ट का रिस्क रहता है। तो एक अच्छे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट पेशेंट को विभिन्न तरीकों से टेस्ट कर सकता है ताकि वो जान सके कि किन मरीजों में इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करना मोर यूजफुल है और किन मरीजों में इम्यूनोथेरेपी के काम करने का चांस कम है, ताकि उनको इम्यूनोथेरेपी ना देके दूसरी अप्रोच जैसे कि टारगेटेड थेरेपी, कीमोथेरेपी इत्यादि का इस्तेमाल कर सके। एक दूसरी स्ट्रेटजी है कीमो इम्यूनोथेरेपी, जिसमें मरीज जिनको हमें लगता है कि सिर्फ इम्यूनोथेरेपी से फायदा कम है उन्हें कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का कॉम्बिनेशन भी दिया जा सकता है। कई रिसर्च और मेडिकल ट्रायल्स में यह देखा गया है कि कीमो इम्यूनोथेरेपी अप्रोच से हम मरीज को सिर्फ कीमोथेरेपी से कंपेयर्ड सिग्निफिकेंटली और काफी बेटर फायदा दे सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी और है जो सिलेक्टेड मरीजों में काम आ सकती है। किस मरीज में कौन सा स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए वो एक एक्सपर्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपकी गाइडेंस और मदद कर सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। कैंसर इम्यूनोथेरेपी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक्स हमने डाली है जिनसे कि आप कैंसर इम्यूनोथेरेपी के बारे में और जानकारी जान सकते हैं और सीख सकते हैं कि अलग अलग बीमारियों में इसका इस्तेमाल किस सेटिंग में किया जाता है। हमारी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इंटरेस्टिंग रहे हो। हमारे सोशल मीडिया लिंक्स इस समय स्क्रीन पर डिस्प्लेड है। यदि इस वीडियो के अलावा आपको और कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में भी डाल सकते हैं और इन सोशल मीडिया चैनल से भी हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स जो भी आपके माइंड में है। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको इस वीडियो से यूजफुल जानकारी मिली, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।